कैसे हैं आप सब। आरकेपी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक नूतन गुंजन का पांचवा पाठ करेंगे, जिसका नाम है हमारा तिरंगा झंडा। तो बच्चों, इस पाठ में हमारे देश के तिरंगे झंडे के बारे में ही बताया गया है। वैसे तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह और भी बहुत हैं। राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय राष्ट्रगान है, फिर राष्ट्रीय फूल है, लेकिन जो हमारा तिरंगा झंडा है वो सबसे मेन, सबसे मुख्य राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हमें एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। चाहे कोई किसी भी धर्म का नागरिक है, किसी भी जाति का है, अगर वो भारत देश का निवासी है तो तिरंगे झंडे का वो सम्मान जरूर करेगा और उसको जो है उसके महत्व को भी समझना चाहिए, तिरंगे झंडे के महत्व को। तो पाठ पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमने तिरंगे झंडे को कब कब कहाँ कहाँ मतलब लहराते हुए देखा है। हम अपने विद्यालय में भी देखते हैं, जैसे 15 अगस्त है या 26 जनवरी है तब हमारे स्कूल में तिरंगा फहराया जाता है। इसी प्रकार जो है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है तिरंगा फहराते हैं और शहीदों का सम्मान करते हैं, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है देश को आजाद कराने के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसी प्रकार 26 जनवरी के मौके पर भी तिरंगा फहराया जाता है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है और जो है शहीदों का सम्मान किया जाता है, उनको याद किया जाता है इस मौके पर। तो आज हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे कि तिरंगा झंडा मतलब इसका नाम तिरंगा क्यों है, कौन कौन से इसमें रंग हैं, इसके रंगों से हमें प्रेरणा क्या मिलती है, हमें अपने तिरंगे के सम्मान के लिए क्या करना चाहिए, ये सब बातें आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो तिरंगा झंडा हमारी आन बान और शान है। देखें, पाठ की शुरुआत होती है कि सावधान खड़े हो जाइए, झंडा फहराया जा रहा है। मीन्स अगर कहीं भी तिरंगा फहराया जा रहा है और हम देख लें कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा आयोजन हो रखा है, तिरंगा फहराया जा रहा है, तो इट मीन्स राष्ट्रगान भी वहां होगा, तो हमें सावधान की मुद्रा में, सावधान की पोजिशन में खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने तिरंगे की रिस्पेक्ट करना अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे झंडे को तिरंगा कहकर ही क्यों पुकारा गया है। तिरंगे को इसलिए तिरंगा नाम दिया गया झंडे को क्योंकि इसमें तीन रंग होते हैं और तीन मुख्य रंग कौन कौन से हैं जो हमारे तिरंगे झंडे में हैं, वो है केसरिया, सफेद, हरा। तो ये तीन रंग बड़े मतलब सोच समझ कर इसमें जो है रखे गए हैं तिरंगे के लिए कि इन तीन रंगों का क्या महत्व होगा, क्यों तिरंगे झंडे के लिए ये तीनों ही जरूरी हैं, बाकी क्यों नहीं लिए गए। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो इन तीन रंगों का अपना ही महत्व है बेटा। केसरिया रंग, केसरिया जो रंग है वो बहादुरी का प्रतीक है। बहादुरी मीन्स हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे वीर जवानों ने अपना जीवन न्योछावर किया है देश को आजाद कराने के लिए, अपना बलिदान दिया है उन्होंने, तो उनकी याद में, उनकी बहादुरी दर्शाने के लिए तिरंगे में केसरिया रंग को स्थान दिया गया है। जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है तिरंगे झंडे में वो केसरिया रंग की होती है। ठीक है, तो हम क्या प्रेरणा लेंगे केसरिया रंग से कि हम बहादुर बनेंगे, जो वीर जवान हमारे शहीद हो रखे हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने तिरंगे की हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे और अपने अंदर बहादुरी का भाव लेके आएंगे, डरेंगे नहीं, डरपोक हम नहीं बनेंगे, ये प्रेरणा हम केसरिया रंग से लेंगे। उसके बाद दूसरा रंग, हमारे तिरंगे झंडे का दूसरा रंग है सफेद रंग। ये बीच वाली जो पट्टी है ये सफेद रंग की है।
प्रयोग तिरंगे झंडे में किया गया है। तो ये तो था हमारे तिरंगे झंडे का एक परिचय कि हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन रंग है, ठीक है। वो तीन रंग यूज कैसे किए गए हैं, तीन पट्टी बनाई गई है, तीन पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे ऊपर केसरिया पट्टी होती है, फिर सफेद पट्टी होती है, फिर हरी पट्टी होती है। केसरिया पट्टी जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनके बलिदान को ध्यान में रखते हुए, सफेद पट्टी विचारों की पवित्रता बनाए रखने के लिए, और हरी पट्टी मतलब हरे रंग का प्रयोग होता है देश की खुशहाली और हरियाली को दिखाने के लिए। अब भी हमारे झंडे में कुछ बचा है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो बीच में चक्र दिया गया है इस चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि अशोक चक्र, ये है अशोक चक्र, इसमें 24 तिल्लियां हैं। 24 तिल्लियां 24 घंटों को दर्शाती हैं कि किस प्रकार हमें जो है समय के महत्व को ध्यान में रखना है और गति, गति मीन्स अपनी गति को बनाए रखना है, निरंतर काम करते रहना है, कर्म करते रहना है। तो ये जो चक्र है ये गति का प्रतीक है, समय का सूचक है कि हम हमेशा समय का सम्मान करें, समय की परवाह करें। समय हमारी परवाह नहीं करेगा, अगर हम समय की कीमत को नहीं समझेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए हम जो है निरंतर अपने काम करते रहें, कर्म करते रहें। इसलिए जो है इस अशोक चक्र का बड़ा महत्व है, हम इससे यही प्रेरणा लेंगे कि जो ये 24 तिल्लियां हैं ये 24 घंटों के प्रतीक हैं, मीन्स हम जो है अपने समय की हमेशा परवाह करेंगे। उसके बाद क्या है, ठीक है, हमने इनसे प्रेरणा भी ले ली कि हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। इट मीन्स हम अपने देश को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, देश की भलाई के लिए कुछ भी काम करेंगे, हरे रंग से ये हम प्रेरणा लेंगे। उसके बाद है हमें अपने झंडे के सम्मान में क्या करना चाहिए। बेटा हम अपने तिरंगे का सम्मान कब कर सकते हैं, जब हम रिस्पेक्ट करेंगे उसकी। जैसे कि अगर कहीं झंडा फहराया जा रहा है तो उसके सम्मान में खड़े हो जाइए, अगर हम कहीं इधर उधर अपने तिरंगे को पड़ा हुआ देखते हैं तो उठा ले उसको। कई मौकों पे देखा है जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त हम मनाते जरूर हैं, लेकिन कुछ शरारती बच्चे फिर क्या करते हैं, उस समय तो वो छोटे छोटे झंडे टांग लेते हैं या ले लेते हैं, फिर उनको कहीं भी फेंक देते हैं। बेटा ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे हम अपने तिरंगे का सम्मान नहीं कर पाएंगे। और अगर तिरंगे का ही सम्मान नहीं होगा जो हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, तो फिर हमारे देश में हमारे मन में देशभक्ति की भावना कैसे आएगी, दूसरों को हम क्या प्रेरणा दे पाएंगे। तो इसलिए हमने अपने झंडे के सम्मान में क्या करना है, कभी भी अपने झंडे को भूमि का स्पर्श न होने दे, मीन्स किसी भी देश के लिए गौरव का एक प्रतीक होता है वहां का झंडा, ठीक है।
तो मुझे तो अपने देश का जो तिरंगा झंडा है वो बहुत प्यारा लगता है। मैंने बहुत सारे देशों के झंडे देखे हैं, लेकिन मुझे अपने देश का जो तिरंगा झंडा है वो सबसे प्यारा लगता है। ठीक है, अब हम दोबारा से इसकी इम्पोर्टेंट बातें देखो क्या होगी। पहले भी दोहराई थी, फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें तीन रंग है। उसके बाद हम देखते हैं वो तीन रंग कौन कौन से हैं। वो तीन रंग है केसरिया, सफेद, हरा। फिर हम देखते हैं कि ये जो तीन रंग यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं हमारे तिरंगे झंडे में, इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलेगी। तो केसरिया रंग से हमें प्रेरणा मिलेगी बहादुरी की और अपने जवानों ने जो अपने सैनिकों ने जो बलिदान दिए हैं उनके रिस्पेक्ट के लिए। सफेद रंग से हमें प्रेरणा मिलेगी अपने शुद्ध विचारों की, अपने विचारों को हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बनाए रखें। तीसरा जो हरा रंग है उसमें हम देश की खुशहाली, हरियाली और समृद्धि देखना चाहते हैं, तो हम हमेशा ऐसे काम करेंगे जो हमारे देश को विकसित करने में काम आएंगे, हमारे काम, हमारा योगदान। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे देश के लिए मतलब अच्छा ना हो। उसके बाद है कुछ देशभक्ति गीत, हम झंडे के ऊपर, तिरंगे के ऊपर जब भी कभी समय मिलेगा तो वो सुनना चाहेंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है कि तिरंगे झंडे का हमेशा हम सम्मान करेंगे, उसको हमेशा आसमान में लहराते हुए देखना चाहेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। अपने तिरंगे के बारे में समझाएंगे दूसरों को कि इसका क्या महत्व है, क्यों इसमें तीन रंग लिए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में या लेक्चर में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अगर कोई आपको डाउट वगैरह ये चीजें हैं तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हुए उसके जो डाउट है वो अंडरलाइन कर लेंगे या राइट कर लेंगे कहीं भी, और फिर क्लास के लेक्चर के दौरान मुझसे पूछेंगे। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से सुने, देखें और चैप्टर पढ़ें। धन्यवाद।